सपोर्ट जो भी किया सरासर गलत किया, जलन कर दे। वो सरदार पंजाब ढाबा है और दुकान है मुस्लिम का, हम जा रहे हैं होटल में खाने के लिए सरदार का समझ के कि सरदार है, और अंदर से उसका मालिक का नाम लिखा है मुस्लिम। अब बताइए इसमें कितना गलत है, हमको नहीं पीना है पानी मुस्लिम का, बकीर अंदर छुपा के गलत काम कर रहा है वो। गलत किया कोर्ट ने, गलत किया और क्या, धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा था और क्या। जो भी जिस धर्म का है, अगर आप दुकानदार हुआ है, चाहे सब्जी का दुकानदार हो, चाहे किसी भी व्यापारी हो, अपना नाम लिखने में उसको क्या बुराई है। अगर हम यादव हैं, वो तो दोनों पक्ष के लिए कहा ना, आप एक पक्ष के लिए नहीं कहा, खाली हिंदू के लिए नहीं कहा, ना मुसलमानों के लिए, सभी को लिए कहे हैं। बाकी जो ये काम किया सुप्रीम कोर्ट, उसने काम गलत किया, सराहनीय है भाई, सराहनीय फैसला है। हम दवा के दुकानदार हैं तो हम लिखे हैं त्रिपाठी मेडिकल स्टोर, तो हम कहते हैं अगर किसी चीज की दुकान है तो अपना नाम लिखने में क्या उसका जा रहा है, उससे क्या बुराई है। फिर आरक्षण तो ही जात पात का जहर बोया गया है, आरक्षण ही तो करवा रहा है सब कुछ कि हम मिश्रा हैं, हम यादव हैं, हम फलाने हैं, हम ढकाने हैं। अगर कोई डॉक्टर है PhD डॉक्टर करके बैठे हैं तो अपने अपने ऑफिस पे लिखे हैं बोर्ड पे, तो क्या गलत किए वो। नेम प्लेट का जो विवाद है वो लगातार चर्चाओं में है, जब से योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक दुकान पर नेम प्लेट लगाया जाएगा। लेकिन नेम प्लेट का जो विवाद था वो जिस तरीके से गहराया, ऐसे में वो फैसला सुप्रीम कोर्ट चला गया, और सुप्रीम कोर्ट जब ये फैसला गया तो इस फैसले पर रोक लगा दी गई। कोर्ट ने ये कहा कि देखिए ये जानना आवश्यक है कि आखिरकार जो भी दुकानदार है वो किस चीज़ की बिक्री कर रहा है, लेकिन आप नाम लगाने के लिए या नाम का पोस्टर लगाने के लिए किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं डाल सकते। हालांकि ये कोर्ट में गया है तो फैसला आना बाकी है कि आखिरकार ये सरकार के पक्ष में आएगा या फिर आम जनता के पक्ष में आएगा, क्योंकि नेम प्लेट पर जब सवाल उठे थे तो ये था कि भाई पश्चिम यूपी से इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद में योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया, और ज़्यादातर करके जो रेड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाले लोग हैं, चाहे वो सब्जी की दुकान देख लें, चाहे आप फल की दुकान देख लें, वहाँ पर अक्सर आपको नाम नहीं दिखाई देगा, ना ही उनका जात धर्म पता चलता है। तो ऐसे में अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेम प्लेट का जो विवाद है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है, उस पर दुकानदारों का क्या कुछ कहना है। आप देखेंगे तो कुछ फल की भी दुकानें हैं, सब्जी की भी कुछ दुकानें हैं, आम जनता भी है, इन सभी से जानेंगे कि आखिरकार नेम प्लेट जो फैसला था वो कितना सही था या कितना गलत था। क्या नाम है भैया आपका? महेंद्र मुर त्रिपाठी। महेंद्र जी, एक बात बताइए कि ये नेम प्लेट का विवाद फिलहाल कोर्ट चला गया है, लेकिन क्या लगता है सरकार का जो फैसला था? सराहनीय है भाई, सराहनीय फैसला है। हम दवा के दुकानदार हैं तो हम लिखे हैं त्रिपाठी मेडिकल स्टोर, तो हम कहते हैं अगर किसी चीज की दुकान है तो अपना नाम लिखने में क्या उसका जा रहा है, उससे क्या बुराई है। अच्छा, अक्सर पश्चिम यूपी में बहुत सारे ऐसे, अगर जातिवादता, मैंने ऐसा लग रहा है कोर्ट को कि नहीं इससे जातिवादता का जहर बोएगा, तो फिर आरक्षण तो ही जातिवादता का जहर बोया गया है। अच्छा। आरक्षण ही तो करवा रहा है सब कुछ कि हम मिश्रा हैं, हम यादव हैं, हम फलाने हैं, हम ढकाने हैं। पार्टियां भी इसी नाम से वोट मांगती है, इसी नाम से मांगती है। अगर इनको इस जातिवादता खत्म करना है तो सारी चीजें एक समान करनी चाहिए ना। जब तक दिमाग में बात नहीं घुसेगी कि ये भी भाई मेरा भाई है, ये भी मेरे ही परिवार है, मेरे ही समान है, तो उसके अंदर नफरत नहीं आएगी। ये जो कोर्ट में फैसला गया, कोर्ट ने जैसे रोक लगा दी है, गलत किया कोर्ट ने, गलत किया और क्या। अभी जैसे पश्चिम यूपी में तमाम ऐसे ढाबे थे जो हिंदू देवी देवताओं के नाम से थे, हिंदू भाई के नाम से थे, लेकिन उसके प्रोप्राइटर जो थे, अंदरूनी जो मालिक थे, वो मुस्लिम थे, और जैसे ये फैसला आया सभी ने अपना बोर्ड लगा दिया। तो आपको लगता है कि नाम छिपा करके जो है किसी भी तरह धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा था, धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा था और क्या। और ये गलत, जो भी जिस धर्म का है, अगर आप दुकानदार हुआ है, चाहे सब्जी का दुकानदार हो, चाहे किसी भी व्यापारी हो, अपना नाम लिखने में उसको क्या बुराई है। अगर हम यादव हैं, हमको अपना यादव लिखने में क्या बुराई है। कपड़ा वाले दुकान पे भाई, कपड़े की दुकान है श्री विनायक वस्त्रालय, तो उनको लिखने में क्या बुराई है। वहाँ भी लिखा यादव, यादव होटल मिष्ठान होटल लिखा, इसमें क्या बुराई है। कोर्ट ने गलत निर्णय दिया। आइए बात करते हैं भैया से जो कि इस पर अपना राय देना चाहते हैं। अगर कोई डॉक्टर है PhD डॉक्टर करके बैठे हैं तो अपने अपने ऑफिस पे लिखे हैं बोर्ड पे, तो क्या गलत किए वो। विनायक लिखे हैं तो क्या गलत किए वो। यादव अपने यादव अपना नाम लगा कर लिखे हैं, क्या गलत किए वो। कोर्ट जो भी किया सरासर गलत किया, चैलेंज करते। हाँ, इसमें क्या इतराज है भाई, इसमें इतराज क्या है। अच्छा,
अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू लगाए हैं, यादव हैं तो यादव लगाए, मुसलमान हैं तो मुसलमान लगाए, क्या दिक्कत है? पश्चिम यूपी में अभी कांवड़ यात्रा जो चल रही है, जिस तरीके से ज्यादातर लोग पश्चिम यूपी से ही कांवड़ लेके चलते हैं, अभी तमाम ढाबों के नाम आपने देखा होगा कि शिव ढाबा या किसी आदमी भैया है पंजाबी, उस पे बोर्ड पे लिखा है पंजाब, सरदार पंजाब ढाबा है और दुकान है मुस्लिम का। हम जा रहे हैं होटल पे खाने के लिए सरदार का समझ के कि सरदार है, और अंदर से उसका मालिक का नाम लिखा है मुस्लिम। अब बताइए इसमें कितना गलत है। हमको नहीं पीना है पानी मुस्लिम का, बाकी अंदर छुपा के गलत काम कर रहा है वो। अपना सही लिखिए, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा कि अपने दुकान के सामने अपना लिख कर टांगिए, तो क्या गलत किया? उधर दोनों पक्ष के लिए कहा ना, अब एक पक्ष के लिए नहीं कहा, खाली हिंदू के लिए नहीं कहा, ना मुसलमानों के लिए, सभी को लिए कहे हैं। तो न्यायालय सही काम किया है, बाकी जो ये काम किया सुप्रीम कोर्ट, उसने काम गलत किया। हम डंके के चोट पर कहते हैं, अरे भाई जात वाजता फैलाने वाली ये गवर्नमेंट और सर कोर्ट खुद है। हम कहते हैं जब हमारे देश में जात कहाँ है, हमारे देश में अमीर और गरीब हैं, दो जातियां हैं भारतवर्ष में, दो जातियां अमीर और गरीब। फिर बीच में और जातवाजता के आरक्षण के नाम पे जहर बोया जा रहा है, जातवाजता के जगह जगह कत्ल फौजदारी हो रहा है, यहाँ गरीब अमीर केवल हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा और भी आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। रामरक्षा यादव, ये बताइए यादव जी, अभी जैसे नेम प्लेट का विवाद चल रहा है कि नाम लगाना दिखाना जरूरी है, और फिलहाल कोर्ट ने रोक लगा दी है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, सही है गलत है ये फैसला? नाम लगा के व्यापार करना, अपनी जात को दिखा के व्यापार करना, सही है गलत है? नहीं सही है, सही है। हाँ, अगर हम यादव हैं तो यादव तो लिखेंगे भाई, हाँ पांडे हैं वो पांडे के ही नाम से लिखेंगे, जो मुस्लिम है वो अपने मुस्लिम के नाम से लिखेंगे। हाँ, कोर्ट ने गलत किया है रोक लगा के फैसले पर, तो रोक लगा के तो गलत किया ही है, गलत किया है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश पाठक। पाठक जी बात बताइए, जो कोर्ट ने फैसला रोक दिया है एक तरीके से, जो नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था योगी ने, अब उस पर रोक लगा दी गई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी फिलहाल, अब किसके पक्ष में जाएगा ये देखा जाएगा, लेकिन रोक लगा करके ये क्या गलत किया है या सही किया है? नहीं, गलत किया है, गलत किया है। मतलब अपने धर्म को जाति को दिखा करके आप व्यापार करें बेहतर है। आप जो भैया हैं उसी बिरादर के, जो बिरादर हैं आप लिखिए, नाम लिखने में क्या छिपा करके, जैसे लोग शिव ढाबा लिख देते हैं, साई ढाबा लिख देते हैं, अंदर पेमेंट करने जाएंगे बार कोड स्कैन जब करेंगे तो आपको लगता है कि भाई मोहम्मद हाफिज ये है वो, तो इससे कहीं ना कहीं गलत है, गलत है। हाँ बिल्कुल गलत है, आप जो भी है वो अपना दिखा करके व्यापार, बिल्कुल है ना? जब भाई है उसी बिरादर, हम पाठक हैं तो हमारा बोर्ड पाठक के नाम से हो, हमें क्या इतराज है, इस पे इतराज होने नहीं चाहिए। क्या लग रहा है, ये गलत किया है? हाँ ये गलत किया, मगर ये ऐसा है कि जो शिव ढाबा या महाकाली ढाबा लिखते हैं वो गलत है, देवी देवताओं के नाम पर ये नहीं लिखना चाहिए, केवल अपना बिरादरी का या जात का वो ही नाम से ही वो खोलना चाहिए, ढाबा खोले या दुकान खोले। अरे महाकाली लिख देते हैं, कोई शिव लिख देते हैं, कोई कई हनुमान जी लिख दे, ये गलत है, भगवान की आस्था पर ये गलत है, ये सोच गलत है, ये नहीं लिखना चाहिए। अपना नाम लिख सकते हैं, अपना जो कोई दुकान चला रहे हैं वो नाम लिख सकते हैं, खाली ये नहीं है कि हम मुसलमान हैं या गलत है। कुल मिला के ये फैसला जो कोर्ट ने किया है रोक लगा करके, हाँ, वो गलत किया है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसके विरोध में है जनता, और जनता ने यहाँ पर सबक सिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट को लताड़ते हुए ये बता दिया है, कहा है कि भाई योगी आदित्यनाथ का जो फैसला है उस पर रोक लगा के आपने बड़ी गलती की है, और कहीं ना कहीं जो फैसला सरकार का था वो बिल्कुल सही था, आप अपने जाति को अपने धर्म को दिखा करके अपना व्यापार करें बेहतर है, क्योंकि अक्सर कई लोगों की इसमें जो है धार्मिक भावनाएँ हैं वो ठेस पहुँचती हैं उसको लेकर के। फिलहाल क्या कुछ होता है, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर फैसला किसके पक्ष में आता है ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन आनंद के साथ मैं विवेक।